नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी रीजनिंग का डाइस चैप्टर और क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोग दो क्लास देख चुके हैं, ये दो क्लास बना चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारे पास एक ही डाइस के अलग अलग प्रारूप दिए गए हों और आपसे पूछ लेगी कि किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर या किसी एक पर्टिकुलर जो हमारे पास सतह होगी उसके विपरीत कौन सा अंक होगा या कौन सा उसके अंदर लेटर होगा, तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि उसके ऊपर छपा हो, नंबर छपे हो सकता है पॉइंट छपे, जैसे कि यहाँ पर छपे हुए हैं बिंदी, और हो सकता है उसके ऊपर जो है किसी रंगों का नाम छपा हो, या हो सकता है कि कोई उसके ऊपर जैसे सिंबल्स होते हैं, हैश हो गया, एट द रेट हो गया, तो इस तरह से आपको अलग अलग सिंबल्स भी दिए जा सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने क्लास बनाई थी उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से आप एक सरफेस जो कॉमन होगी जिनमें, उसमें कैसे हम लोग विपरीत सतहों का पता लगाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जिन क्वेश्चंस में दो सरफेस कॉमन हो जाएं उसमें हम ऑपोजिट का कैसे पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर दो इस वाली सरफेस में भी है, यानी कि इस वाली डाइस में भी है, और दो इस वाली डाइस में भी है, और तीन इस वाली डाइस में भी है, और तीन इस वाली डाइस में भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है हमारे पास जो कॉमन नंबर हैं वो दोनों ही डाइस में आपको दो दो दिए गए हैं, यानी कि इसमें अंदर दो कॉमन नंबर आ गए। अब कन्फ्यूजन ये होगी, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप किसी भी कॉमन सरफेस से शुरू करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे दो के बाद आप चार बढ़ेंगे, चार के बाद तीन बढ़ेंगे, उधर से शुरू करेंगे दो पे बढ़ेंगे, दो के बाद यहाँ पे पाँच पे बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर से तीन पे बढ़ेंगे। अब समस्या ये हो जाएगी कि यहाँ पर हम लोग तीन से शुरू करें या दो से शुरू करें, और चलिए हम लोगों ने शुरू भी कर लिया, चाहे आप इसको तीन से शुरू करें, चाहे आप इसको चलो तीन से मैं इसको शुरू करता हूँ, तीन के बाद यहाँ पर दो पर जाएंगे, दो के बाद यहाँ पर चार पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे तीन पर जाएंगे, फिर यहाँ पर दो से जाएंगे, और फिर वहाँ पर पाँच में चले जाएंगे। तो मतलब यहाँ से सिर्फ हमको जो आंसर मिला है वो चार और पाँच का मिल पाया है। चार और पाँच जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, सॉरी इसको चार और पाँच पे लगाता हूँ मैं, ये हो गया हमारा चार और पाँच, चार और पाँच एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहाँ से तो हमें ये पता लगा, और इसका तो हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि जैसे ही हमको कॉमन सरफेस नजर आई कि यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, इसमें क्या बच गया अकेला चार, इसमें क्या बच गया पाँच। यानी कि जब दो सरफेस कॉमन हो उसके बाद जो तीसरी सरफेस बचेगी दोनों ही डाइस में, वो दोनों की दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, चार और पाँच एक दूसरे के विपरीत है, चार और पाँच एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर भी है। यानी कि दो और तीन, दो और तीन इसमें है, बची हुई सरफेस इसमें चार है, इसमें पाँच है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब तीन के विपरीत क्या बताएं, हो सकता है कि भाई यहाँ पर छः हो सकता है कि एक हो, यहाँ पर भी दो के ऑपोजिट देखा तो हो सकता है छः हो सकता है एक हो। ये कैसे पता लगा, क्योंकि हमें पता है कि दो सरफेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है वो कभी भी एक साथ में नज़र नहीं आती, और हमारे पास डाइस में नंबर है ही कितने, छः, चार, पाँच और एक, छः। अब बात करें तीन की, तो भाई तीन के विपरीत तीन खुद तो होगा नहीं, ठीक है, और उसके साथ हमको यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है दो, तो इसका मतलब दो भी इसके विपरीत नहीं होगा। साथ में नज़र आ रहा है जी चार, चार भी इसके विपरीत नहीं होगा। यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको तीन के साथ में पाँच, तो पाँच भी इसके विपरीत नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन के क्या बचा, एक या छः। चलिए अब मैंने यहाँ पर इसी आधार पर अलग अलग पांच पैटर्न में आपके सामने ऑप्शंस पुट किए हैं। हो सकता है कि इस तरह का पैटर्न आए आपके एग्जाम में ऑप्शन का, हो सकता है ऐसा आए, ऐसा, 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 यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको अलग अलग पैटर्न पर ऑप्शंस दिए जाएं तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे, हम जरा इसमें समझते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पहले वाला पैटर्न, इसमें क्या है कि तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हमें पता है अभी हम लोगों ने देखा है कि सर इसके विपरीत क्या है, पाँच तो नहीं होगा, पाँच और चार तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और उसके बाद बचा दो, तो दो भी इसके विपरीत नहीं है क्योंकि तीन और दो एक दूसरे के साथ में नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, सिर्फ एक बचा है, तो इसी वजह से हमको इसको ही ठीक करना पड़ेगा। वैसे वास्तव में हमको पता है कि इसके विपरीत एक भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास छः ऑप्शन में ही नहीं है और नन ऑफ द अबव जैसा कोई ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो अब हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम लोगों को एक ही यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। इसमें देखें तो अभी हम लोगों ने समझा है कि दो तो इसका आंसर नहीं होगा और इसका आंसर चार भी नहीं होगा, ठीक है,
और चार और पांच दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, इस करके चार और पांच में से कोई भी आंसर नहीं होगा। अब यहां पर हमारी मजबूरी है कि हमको छह टिक करना पड़ेगा, यही इस तरह के ऑप्शन पैटर्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर इसमें एक भी है, छह भी है, लेकिन अगर आप एक को टिक करते हैं तो हो सकता है छह इसका राइट आंसर हो, अगर आप छह को टिक करते हैं तो हो सकता है इसका एक वाला जो है वो राइट आंसर हो, पांच तो हो नहीं सकता, ये बात कन्फर्म है। अब हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा एक या छह, इन दोनों में से कोई सा एक, लेकिन लगाए कौन सा हमें नहीं मालूम, इसी वजह से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। यहाँ पर राइट आंसर होता अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गिवन हो, जैसे यहाँ पर सी है ना एक या छह, अगर वो यहाँ पर गिवन होता तब जाकर के हमारा आंसर राइट हो सकता था। अब सेम इस पे आते हैं, तो भाई यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एक और छह गिवन है, लेकिन लगाए कौन से पर ये बात कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर राइट आंसर मिल चुका है एक या छह, तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे सी पर। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पैटर्न पर आते हैं, तो चार और पांच तो हमें पता है इसका आंसर होगा ही नहीं, और नन ऑफ द अबव और छह। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में क्या अंतर है इन दोनों ऑप्शन पैटर्न में, कि इसमें हमारे पास कोई और नन ऑफ द अबव जैसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास नन ऑफ द अबव जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप छह लगाओगे तो हो सकता है इसके विपरीत एक भी हो, छह या एक, तो जो सही आंसर बनता है ना इस वाले क्वेश्चन का तो वो तो यही बनता है भाई, छह या एक या एक या छह। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नन ऑफ द अबव का ऑप्शन गिवन है, हमको मिल गया है, तो हम यहाँ पर छह को गलत करेंगे और डी वाले को राइट आंसर बनाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से इस बात को लेकर के श्योर नहीं है कि इसका विपरीत छह होगा या एक होगा। ये यहाँ तक बात, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो सरफेस वाला क्वेश्चन सोल्व करना आ गया होगा। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि एक ही विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये एक ही डाइस है, इसको अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है, तो इसमें कोई भी ऐसी दो डाइस चूज कर ले जिसमें दो सरफेस कॉमन हो। मैं चूज करता हूँ भाई यहाँ पर जो फर्स्ट वाली है, मैं नंबर देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो जो फर्स्ट वाली है और जो फोर्थ वाली है इसके अंदर आप देखेंगे कि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है, तो बचा क्या ए और डी। अभी हम लोगों ने समझा था कि जो दो सरफेस बच गए एक दूसरे के, यानी कि दोनों के दोनों डाइस में जो सरफेस बच गई वो ही एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पर ए के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर एफ जो है ए के साथ नजर आ रहा है तो ये इसका आंसर होगा ही नहीं, उसके बाद ए के साथ में सी भी नजर आ रहा है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर ए के साथ में बी नजर आ रहा है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसको आप एलिमिनेट करके भी यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, तो इसमें देखते हैं भाई कि पूछा गया है दो के विपरीत सतह पर कौन सा विपरीत वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो देख लेते हैं दो के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कोई भी ऐसी सरफेस उठा ले जिसमें कि यहाँ पर इसको देख लेते हैं, देखिए ये जो दो सरफेस हैं यहाँ पर दो डाइस का प्रारूप है तीन और चार नंबर, इसमें देखो यहाँ पर ये सरफेस कैसी है भाई, कॉमन सरफेस है इसके अंदर, बाकी तो कोई सरफेस में कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है वन और वन, इनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। जब कॉमन सरफेस की डायरेक्शन सेम हो तो जो सी सरफेस जहाँ पर नजर आए वही उसके ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि ऊपर वाली सरफेस दो है इधर छः है, तो दो जो है वो छः के विपरीत हो जाएगी, और इधर तीन है तो तीन जो है ये चार के विपरीत हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दो के विपरीत छः, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कोई और ऑप्शन ऐसा है जिसमें पाँच और तीन एक साथ हैं, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, चलो तो हम लोग इससे भी इसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं, इसमें पूछा गया तीन के विपरीत सतह पर कौन सा, तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो तीन के विपरीत सतह पर देख लेते हैं हम लोग कि इधर हमारे पास चार है, ये देखिएगा इधर भी चार है, बाकी छः और दो है, इधर पाँच और तीन है। तो अब देखिए अभी एक चीज़ समझी थी हम लोगों ने कि अगर कॉमन सरफेस की डायरेक्शन सेम हो, इधर चार की डायरेक्शन इधर है चार की डायरेक्शन इधर है, तो मतलब ऊपर वाली जो सरफेस है दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी, और ये पाँच और दो जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास तीन के विपरीत छः, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कोई अगर संभव हुआ, चार और दो, ये देखिए ये वाली सरफेस, यानी कि ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास डाइस है और फोर्थ वाली, इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन सरफेस क्या है चार, इधर भी है जी चार, यहाँ पर है हमारे पास दो और यहाँ पर भी है दो, अब बच कौन सी गई, यहाँ पर बची है छः और यहाँ पर बची है तीन, और यही चीज़ हम लोगों ने अभी सीखी थी कि दो सरफेस अगर कॉमन मिल जाए तो बची हुई जो सरफेस होंगी वही एक दूसरे के ओपोजिट होंगी, तो यहाँ पर तीन जो है वो छः के ओपोजिट हो जाएगा। तो चलिए
इलेमिनेट भी कर सकते हैं हम यहाँ से, किस तरह से कि दो ओपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ में नज़र नहीं आती। तो तीन के साथ में आपको जो संख्याएँ नज़र आ रही हैं उनको आप यहाँ से इलेमिनेट कर दें। तीन के साथ आपको चार नज़र आ रहा है तो चार ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर तीन के साथ में आपको पाँच नज़र आ रहा है तो इसका मतलब तीन के साथ में पाँच नज़र आया तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तीन के साथ में एक भी नज़र आ रहा है इसी वजह से इसका डी भी आंसर नहीं हो सकता। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, इलेमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से दो कॉमन सरफेस वाले जो हमारे पास डाइस गिवन है उनको यूज करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, या आप किसी एक कॉमन सरफेस वाले दो डाइस को उठा लें और उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख लें उससे भी आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखने वाली ही ट्रिक है। बस क्या होगा कि जब इसमें कॉमन सरफेस आपको मिल जाएगी सेम डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर चार है, चार है, देखिए अब मैं इसे इसको क्लॉकवाइज लिखने की कोशिश करूँगा तो चार जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्लॉकवाइज चलेंगे आप पाँच पे आएंगे, पाँच के बाद आगे बढ़ेंगे तो तीन पे आएंगे, उस वाले से उठाते हैं कि वहाँ से मैं चार इधर लिखूँगा, चार के इस साइड में आगे चलूँगा तो भाई दो आएगा, दो के बाद आगे क्लॉकवाइज फिर बढ़ूँगा तो छः आएगा, तो यहाँ पर फिर से तीन और छः एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। यानी कि आप किसी मर्जी तरीके से चलें, अगर ये एक ही डाइस है इसको अलग अलग एंगल से दिखाया गया है तो आप तीन चारों में से जिस मर्जी मेथड का प्रयोग करें आपका आंसर सेम ही आएगा। वो अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड से जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाता है आपका क्वेश्चन, वो इस बात पर मैटर करेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो भी क्लास में हम लोगों ने सीखा वो सब समझ में आ चुका है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं इसे, कल हम लोग इससे नेक्स्ट क्लास बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि ओपन वाला जो फलक होगा, कई बार क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे ये ओपन फलक वाले जो आते हैं हमारे पास इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्थाई किसके विपरीत होगी, और कई बार इसको मोड़ करके दोबारा से नई डाइस बना करके रख देते हैं और पूछ लेते हैं कि इन तीन चार डाइस में से ये वाली डाइस कौन सी होगी। तो चलिए आज की क्लास में तो हम यहीं तक पढ़ते हैं और कल की क्लास में हम लोग ये वाली सब चीज़ें सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुभ रात्रि।